हेलो एवरीवन तो जी लास्ट ब्लॉग मैंने जहाँ पर एंड किया था ना कपड़े वगैरह रख रही थी मैं उसके बाद का ये ब्लॉग है शाम का टाइम है गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू और यहाँ पे आ गया है हमारा न्यू पार्सल जो कि हम लोग आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे और स्पेशली uh, आज है मेरा बहुत स्पेशल डे और हस्बेंड ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट ला कर के दे दिया कि मैं मतलब तो खुशी हो गई सच में एक्चुअली सच में गिफ्ट जैसा ही था मेरे लिए मुझे पता नहीं था कि अचानक से लेकर के आ जाएंगे कोर्स फ्रिज हमें लेना था क्योंकि हमारा जो पुराना वाला फ्रिज है पिछले एक डेढ़ महीने से बंद पड़ा हुआ था तो वो तो लाना ही था बट ऐसा पता नहीं था कि ये आज ही लेकर के आ जाएंगे तो बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे बट सही टाइमिंग मुझे लगता आज ही था ये जो है है ना ऐसे में देखा तो और इसका है घर में ना कोई भी न्यू चीज़ आती है श्रेय बहुत एक्साइटेड रहता है सारी चीज़ें अनबॉक्सिंग करने में तो वो सारी सीजर एंड नाइफ वगैरह अपने पापा को दे रहा है लाला के पापा इससे खोलो इससे खोलो, इस खोलो ऐसा और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ बिकॉज ऑफ यू ऑल ऑफ यू माई रियल फैमिली और यहाँ पर ना मुझे अच्छी बात ये लगी कि मुझे जो फ्रिज चाहिए था जो फ्रिज में कलर चाहिए था वो मिला है तो बस मेरे मन पसंदीदा चीज़ आ गई है और आज क्यों स्पेशल डे है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी फुल ब्लॉग ज़रूर देखिएगा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू अभी बज रहे हैं सुबह के दस थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं काम वाम करने में क्योंकि जैसे ही रात को फ्रिज आया हम लोगों ने इसको सेट किया कहने को तो सिर्फ रेफ्रिजरेटर ही आया है क्या ही काम है बट जो पुराना फ्रिज था उसकी बेसिकली मुझे जगह करनी थी वो मुझे जगह नहीं मिल रही थी तो हमारे घर में एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पर मैं उसको यू नो एज अ स्टोर रूम छोटा सा मैंने बना लिया है हाँ उसमें कर्टेन वगैरह लगाना है ताकि जो हमारा ड्रॉइंग एरिया है वहाँ से वो दिखे ना मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कहाँ पर मैंने टअप किया पूरा मैंने स्टोर रूम का जितना भी सामान था स्टोर एरिया का जितना भी सामान था वो मैंने सारा निकाला अच्छे से पूरी क्लीनिंग करी झाड़ी वाले लिए पोछा लगाया झाड़ू वगैरह करके एंड इसके बाद जो है फिर मैंने पूरा सामान अच्छे से लगाया सारी चीजें करने में काफ़ी सारा टाइम मुझे लग गया देन उसके बाद ना आ, मुझे अभी इसके भी क्लीनिंग करनी है बट मैं अभी नहीं करूंगी बाद में करूँगी और यहाँ पे देखो रात को हम लोगों ने पूजन कर लिया था श्रेणी किया था फ्रिज का पूजन एंड उसको हम लोगों ने ऑन करके देखा अच्छा परफॉर्मेंस स्पाइस तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा हाँ टू स्टार है आई नो आप लोग के यही कमेंट्स तो हो गए कि टू स्टार है बट कोई नहीं आ, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी बाकी जो भी फीचर्स से, है सारे सेम है आ, तो बस अभी मुझे पोछा वगैरह और लगाना है पोछा लगा लूँगी उसके बाद जो है फिर मुझे कपड़े धोने कपड़े वगैरह धो कर के दैन मैं फ्रिज को फिर अच्छे से जो है क्लीन करके उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी जिसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आपके साथ जरूर से शेयर करूँगी तो जी फिलहाल चलते हैं बाकी का काम निपटाते हैं और श्रेय जैसी स्कूल से आ जाते हैं फिर उसका मुझे पेपर करेक्शन वगैरह भी करवाना होगा उसके एग्जाम भी चल रहे हैं एंड उसको खाना देना उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना ये सारा काम चलेगा बेटर है कि उसके आने से पहले जो है मैं अपने काम निपटा लू एग्जाम है तो वो जल्दी ही घर पे आ जाएगा और यहाँ पे सुबह का टाइम है श्रेय स्कूल चले गए उसके बाद ना मैं घर की साफ़ सफ़ाई कर रही हूँ और मुझे लगता है तभी साफ़ सफ़ाई अच्छे से हो पाती है क्योंकि तब हम लोग काफ़ी ज़्यादा फ्री होते हैं सुबह तो बच्चों में बिजी हो जाते तो जी यहाँ पे ना मुझे ये वॉश बेसिन साफ करना था वैसे तो मैं पहले ही कर देती हूँ श्रेय के स्कूल जाने से पहले ही बट आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थोड़ा सा लेट हो गया काफ़ी अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने विथ मिरर भी और न्यू फ्रेश टॉवल मैंने हैंग कर दिया और उसके बाद ना ये जो मैथी थी मुझे अच्छे से मैथी को धोना रहता है तो मैं क्या आजकल ना ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छी आती हैं फ़्रेश आती हैं वैसे तो हमारे फार्म से ही आती है बट फिर भी धोना बहुत ज़रूरी होता है बट बिल्कुल भी कचड़ा या बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह नहीं थी इसमें तो फिर भी मैंने एक बार अच्छे से धो दी है क्योंकि मम्मी ना धो करके ही भेजती हैं गाँव से बट फिर भी एक बार धो दो, दो तो एक अपना डाउट क्लियर हो जाता है और उसके बाद जो मैंने शूज़ वग़ैरह धुले थे इनके श्रेय के तो ये सारे शूज़ ना आजकल नीचे नहीं सूखते हैं तो मुझे ना ऊपर ही जाना पड़ता है छत पे डालने के लिए और थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ क्योंकि ना श्रेय फिर जल्दी स्कूल से आ भी जाता है उसकी एग्ज़ाम चल रही है फिर जैसे ही वो आ जाता है फिर मुझे उसके एग्ज़ाम की प्रिपेरेशन करवानी पड़ती है उसका खाना पीना देखना पड़ता है तो बस टाइम से अपना काम निपटा लूँ तो सही रहता है यहाँ पे फ्रिज का कवर जो पुराने फ्रिज पे था ना वो मैंने अच्छे से धो करके डाल दिया देखो मैं ऊपर आई थी ना तो यहाँ पे नीचे वाली दीदी ने ये देखो कौन कौन से पौधे आई थिंक ये तो ना हरी धनिया है आई थिंक मिनी किचन गार्डन की तैयारियाँ चल रही है तो ये सब इन्होंने बोया हुआ है जैसे ये बड़े होंगे और uh, मुझे परफेक्ट पौधों का नाम तो पता नहीं है बट uh, जो भी इनमें सब्जियां हो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी होना चाहिए यार मिनी गार्डन होना चाहिए मिनी किचन गार्डन है ना धूप आजकल काफ़ी अच्छी निकल जाती है वैसे सुबह शाम ठंड है बट धूप भी एकदम तेज वाली धूप निकलती है तो चीज़ें ना ऊपर छत पे आराम से सूख जाती है और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया क्लीनिंग करी और फिर मैं नहा धोकर के रेडी हो रही हूँ आज मैंने ना ब्लैक साड़ी विथ तो वाइट ब्लाउज़ पहना है क्योंकि आज है स्पेशल डे वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा वेट कीजिए वीडियो में तो यहाँ पे ना मुझे पिन लगाना था और ये जो कॉटन साड़ी होती है ना मुझे लगता कॉटन नहीं है कॉटन सिल्क है ये तो इनमें ना पिन लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि पतली भी इतनी होती है ना तो डर लगता है पिन विन खिंच के और साड़ी फाड़ ना दे बट बहुत केयरफुली मैंने पिन लगाया और मैं रेडी हो गई हूँ तो ये मेरा लुक मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग बताएगा कैसी लग रही है और यहाँ पे ना हल्की दोपहर थी मेन्स यहाँ पे लॉबी में ना इतनी धूप आती है ठंड में तो बस मैं उसी पे चेयर डाल के बैठ गई थी श्रेय भी स्कूल से आ गया है तो वो खेल रहा था यहाँ पे और यहाँ पे जो मैथी रखी हुई थी ना तो मैंने कहा चलो मैथी को मैं अच्छे से चुन लेती हूँ और कपड़े जो डले हुए थे उसको मैंने पलट दिया अच्छे से एक बारी ताकि यू नो आगे पीछे दोनों तरफ से सूख जाए कपड़े उसके बाद ना अंदर आके मुझे एक बहुत स्पेशल रेसिपी बनानी थी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और मेरा मन भी था वैसे तो बाजार में मिल जाती है चिक्की वगैरह बट मेरा मन था कि मैं ही बनाऊँ यू नो घर पर तो बस यहाँ पे मैंने जो पिनट्स हम लोग लाए हुए थे वही पिनट्स को अच्छे से मैंने पहले भून लिया था और जब तक मैं लॉबी में बैठी मैथी वगैरह साफ़ करी ये काफ़ी अच्छे से ठंडे हो गए थे उसके बाद ना इनके छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं और मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ छिलके निकालने का जो कि मैंने देखा है यूट्यूब पे तो यहाँ पे ये जो छलनी होती है ना जैसे हम लोग पूड़ी भजिया तलते हैं उसी छलनी में दाने डाल करके और ऐसे ऐसे हिला देना है वो बहुत अच्छे से हिल जाते हैं और सारे छिलके नीचे और दाने ऊपर रह जाते हैं बहुत इजीली निकल गए वरना इनको निकालना सच में एक बहुत बड़ा टास्क होता है तो इस टास्क को आसान करते हुए मैंने सारे दाने अलग छिलके अलग कर लिए बहुत आसानी से हो गए हाँ मैं इसमें ना जो काले काले से दाने हो जाते हैं मूँगफली के वो भी मैं अलग हटाती जा रही थी और बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्रोसेस तो मुझे लगा चलो आपके साथ शेयर करूँ इस तरीके से मैंने सारे दाने निकाल लिए हैं और अब मुझे ना इनको अच्छे से पीसना है आप चाहो तो सिल बट्टे या मिक्सर ग्राइंडर पे कर सकते हो बट मैं ना इनको इस तरीके से बेलन एंड तवाई पे कर रही हूँ बट बहुत मतलब ऐसे ना दाने इधर उधर भाग रहे थे जंप कर रहे थे बट तो फाइनली हो गया मुझे इतना ही चाहिए था मुझे बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं करना था बहुत सारे लोगों की देखिए चिक्की एकदम महीन पाउडर करके तो अगर आपको वैसा करना है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में कर सकते हो या तो आपके पास कोई पॉलीथीन हो तो उस पर आप कूट के एंड रेडी कर सकते हो एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है गुड़ गुड़ ना यही येलो कलर जैसा होता है वही हमें यूज़ करना होता है और उसमें डाल दिया है पानी अच्छे से चाशनी बनानी है पहले मैं बहुत छोटी थी ना तब मैं देखा करती थी कि हमारे घर में ऐसा बनता था तो बस मैं मुझे जितना भी याद है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बट अभी मैं फ़र्स्ट टाइम यू नो बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मुझे पता भी नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा इसका कैसी बनेगी क्या है बट अच्छी बनी थी तो फिर मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूँ अगर अच्छी नहीं बनी होती तो मैं शेयर करती भी नहीं और यहाँ पे मैंने एक थाली में बेलन में लगा लिया घी ताकि मैं जब भी इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी जमने के लिए तो वो चिपके ना बर्तन में और देखो गुड़ को चेक करने के लिए ना एक कटोरी में पानी उसमें आप चाशनी डाल लीजिए तो जब आपको पता चलेगा कि हाँ कितना हो गया चाशनी को पानी में डालते ही ठंडा होते ही वो कटक करके टूटे तो समझ लीजिए आपकी चाशनी तैयार है उसके बाद हमें डाल देनी मूँगफली के दाने जो भुने हुए थे ना वो अच्छे से हमें मिला देना है गुड़ में गुड़ की चाशनी में एंड इसके बाद जो हमने थाली ग्रीस करके रेडी करी थी ना उसमें हमें डाल देना आप चाहो तो जो बटर पेपर आते हैं ना उस पर भी आप कर सकते हो जो मैंने बताया था बट मुझे ना ये तरीका बेस्ट लगता है जब मैं बचपन में भी देखा करती ना, यही तरीका मम्मी भाभी सब लोग यूज करते थे तो फिर मैंने कहा चलो यही और इसको मैं कोशिश कर रही हूँ स्क्वायर शेप बनाने की बट ठीक है थोड़ा थोड़ा ही बन पाया मेरा भी मेन गोल ये था कि बस अच्छे से हो जाए बस बन जाए अच्छे से और थोड़ा सा ठंडा होना हो जाए उसके बाद ना हमें इस तरीके से कट लगा देने बीच से ताकि एकदम ठंडा हो जाए तो ये इजीली टूट जाए यू नो और बस इस तरीके से रख देना है ओवर के लिए आपकी चिक्की बहुत अच्छी बनेगी चाशनी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से जम जानी चाहिए बस उतने तक ही हमें पकानी है नहीं सकते और बताओ टीवी। पक्षी कहाँ पाए जाते हैं टीवी के अलावा एमू और दिया ऐसे टीवी के अलावा एमू और दिया भी ऐसे पक्षी हैं जो उन सकते और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं पत्र चिट्ठी राष्ट्रीय से हुआ। तो जी शाम को घर आते आते ना ये पेस्ट्री लेकर के आए थे क्योंकि आ, इनको पता था आज क्या है क्योंकि मैंने इनको ना सुबह याद दिलवा दिया था आ, आज के दिन ना मैं और श्री के पापा हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था तो वही है मुझे तो डेट एंड टाइम दोनों याद है बट मुझे लगता है इनको याद नहीं था Happy birthday. Okay. Happy birthday. Cherry. Oh. the तो जी ये हमारा शाम का डिनर मैथी की पूड़ी चटनी एंड थोड़ी सी चाय तो जी इसी के साथ मैं ब्लॉग का भी एंड करती हूँ मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें बाय